तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम मुस्लिमों के बारे में फैलाए जाने वाले 5 झूठ के बारे में। नंबर 1, क्या मुस्लिम बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं? 2019-21 के आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम्स की फर्टिलिटी रेट यानी कि प्रजनन दर यानी कि कौन कितने बच्चे पैदा कर रहा है उसमें तेजी से गिरावट आई है। कॉमन सेंस की बात है कि बेहतर लाइफस्टाइल की चाहत में सभी कम बच्चे पैदा करना चाहते हैं, इसलिए अगर अभी तक दिमाग में भर रखा हो कि मुस्लिम से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो प्लीज उसे निकाल दीजिए। दूसरा झूठ फैला जाता है कि अपने परिवार में ही शादी करने का चलन बहुत ज्यादा है मुस्लिमों में। मुस्लिम समाज की 100 में से 15.8% शादियां ही ब्लड रिलेशन में होती हैं। 80% से ज्यादा शादियों में मियां बीवी का पहले से कोई रिश्ता नहीं होता है। तो अगर ये ब्लड रिलेशन में शादी वाले जो कभी भी आपके दिमाग में हो तो बता दूं कि 10.1% हिंदू भी ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं। उत्तर भारत में नहीं करते, लेकिन दक्षिण भारत में कई ऐसी हिंदू कम्युनिटीज हैं जो ब्लड रिलेशन में शादी करती हैं। 100 में से 14.5% बौद्ध भी ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं। 11.9% ईसाई भी ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं। तो ये वहम भी दिमाग से निकाल दीजिए। तीसरा झूठ बोला जाता है कि 15 साल की उम्र में ही मुस्लिम लड़कियों की शादी कर दी जाती है क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी इजाजत देता है। मगर इस सर्वे में सामने आया है कि मुस्लिम लड़कियों की शादी औसतन 18 साल के बाद ही होती है। एवरेज निकल कर आया है 18.7 साल। और हैरानी की बात यह है कि हिंदू लड़कियों की भी शादी की औसत उम्र 18.7 साल ही निकल कर आई है, मतलब दोनों बराबर। सबसे लेट शादी करते हैं जैन, जिनकी औसत उम्र निकल कर आई है 22.7 साल। तो नहीं, सभी मुस्लिम लड़कियों की शादी 15 साल में नहीं कर दी जाती है। चौथा झूठ निकल कर आया है महिलाओं की शिक्षा को लेकर। कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं को पढ़ने से रोका जाता है, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा कहता है कि मुस्लिम समाज से आने वाली लड़कियां औसतन 4.3 साल बिताती हैं स्कूल में और मुस्लिम लड़के 5.4 साल स्कूल में बिताते हैं। हिंदू समाज से आने वाली लड़कियां औसतन 4.9 साल बिताती हैं स्कूल में और लड़के 7.5 साल। इस मामले में दोनों धर्मों के लोगों का रिकॉर्ड निहायत ही घटिया है। दोनों को बड़े पैमाने पर सुधार करने की जरूरत है। अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षित कीजिए, उनको शिक्षा की जरूरत है। पांचवा झूठ है एक से ज्यादा बीवियां रखने की। मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कई लोग लिख जाते हैं कि मुस्लिम 4-4 बीवियां रखते हैं, मगर साल 2006 में हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से मिले आंकड़े बताते हैं कि 100 में से सिर्फ 2.5% मुस्लिमों की ही एक से ज्यादा पत्नियां थी और 1.7% हिंदुओं की भी एक से ज्यादा पत्नियां थी। 2.1% क्रिश्चियंस की भी एक से ज्यादा पत्नियां थी। तो वीडियो के अंत में झूठ फैलाने वाले बंधुओं के लिए एक टास्क दे रहा हूं, अपने आसपास के 2 मुस्लिम ऐसे खोजें जिनकी 4 बीवियां हों। ना खोज पाए तो ऐसे झूठ फैलाने से तौबा कर लें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।